हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू अरहान एंटरटेनमेंट। तो यार आज हम लोग बात करेंगे कोरियन मूवी का जो कि आपको हिंदी में देखने को मिलती है। मूवी की ओवरऑल लेंथ 1 आवर 50 मिनट की और इसका नाम है एस्केप फ्रॉम मोगाडिशो। और बोलते हैं कि ये रियल में हो चुका है, मुझे नहीं पता। खैर 1980 में कोरिया के पास यूएन की मेंबरशिप नहीं थी, लेकिन 1987 तक अफ्रीकन कॉन्टिनेंट के पास ज़्यादा वोट्स थे और वो लोग अपनी तरफ से किसी दूसरे से जिसके पास मेंबरशिप नहीं है तो उनके बारे में वो लोग यूएन में बात कर सकते थे। तो इसीलिए नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया के वॉर डिप्लोमेट्स गए थे सोमालिया की राजधानी मोगा में, ताकि सोमालिया वाले बात कर सके इन कोरियंस के बिहाफ में यूएन में। लेकिन कहानी में ट्विस्ट तब आता है जब सोमालिया में सिविल वॉर छिड़ जाती है, यानी कि बागी और आर्मी के बीच में। तो ऐसे में दोनों अलग अलग देशों के लोग वहां फंसे रह जाते हैं। अब उनको वहां से निकलना कैसे है, वो निकलते कैसे है, ये सब कुछ जानने के लिए आपको ये मूवी देखनी पड़ेगी। देखो नॉर्थ कोरिया और साउथ कोरिया का बस वही वह मसला है जो इंडिया और पाकिस्तान का है। अब उतना टेंस है कि नहीं जितना हमारा इंडिया और पाकिस्तान का है वो मुझे आइडिया नहीं है, और वो उसमें घुसना भी नहीं है। लेकिन वो चीज़ आप लोग फील कर सकते हो कि दो अलग अलग देशों के लोग एक तरह दिखते हैं, बातें एक तरह से करते हैं, उनके कल्चर मोस्टली सिमिलर है, लेकिन एक ऐसी फूट उनके बीच में डाली गई है जिससे वो लोग उभर नहीं पा रहे। अभी आपको तो पता है कि वॉर चल रहा है रशिया और यूक्रेन के बीच में। तो वॉर के बीच में जब कुछ लोग फंस जाते हैं तो उनकी सिचुएशन क्या होती है, वो सिचुएशन अगर आपको महसूस करनी तो इस पर्टिकुलर मूवी को देखना पड़ेगा, जिसमें आपको बहुत कुछ चीज़ें इतनी अच्छी तरह से बताएंगी कि एक मोमेंट में आपको ऐसा लगेगा कि भाई आप भी उस वक्त 1991 में जब सोमालिया में सिविल वॉर चल रहा था तो भाई आप भी वहाँ प्रेजेंट हो। बहुत ही अच्छी तरह से हर एक सीन को शूट किया है, और शूट किया से याद आया कि बस सिनेमेटोग्राफी की बात करो तो भाई वहाँ के जो बागी है और आर्मी है उन सारे सीन्स को उन लोगों ने वापस से रिक्रिएट करना और वो वॉर बताना, और जिस तरह से वो बड़े स्केल में उन लोगों ने पूरा सेटअप किया है, मज़ा आ जाता है भाई। कैरेक्टर्स की बात करो तो यार हर एक कैरेक्टर को इतनी अच्छी तरह से दिखाया गया, कहीं ना कहीं आप लोग उनसे इजीली कनेक्ट हो जाओ और वो एक दर्द फील कर सकते हो। दो अलग अलग देश के लोग हैं लेकिन उनके अंदर जो प्यार है, जो एक इमोशनल चीज़ है, वो बिल्कुल भी सेम, और वो एक दूसरे के लिए किस हद तक जा सकते हैं अगर वक्त आया तो, वो चीज़ आपको इन कैरेक्टर्स के थ्रू इस मूवी में देखने को मिलती है, जो कि बहुत अच्छा लगता है। एक्टर्स के परफॉर्मेंस की बात करो तो सब एक्टर्स अपने इस को बहुत अच्छी तरह से किया, और इस मूवी का डायरेक्शन, स्क्रीन पे सब कुछ ए टू जेड है। बट अगर इस मूवी की नेगेटिविटी की बात करो तो 1 घंटे 50 मिनट होने के बावजूद भी मूवी बीच में लैग करते, जहाँ पे ऑडियंस का इंटरेस्ट खत्म हो जाता है। लेकिन अच्छी बात यह कि मूवी एंड तक बहुत अच्छा पिकअप लेती है, और एंड में जो वो इमोशनल चीज़ें बताई है वो कहीं ना कहीं आपके दिल को छू लेगी। तो अगर आपको ये मूवी देखना तो जरूर देखना। मैं इस पर्टिकुलर मूवी को रेटिंग दूंगा 7.5 out of 10, और ये आप फैमिली के साथ बैठ के भी देख सकते हो, इसमें कोई भी अश्लील सीन नहीं है। तो यार बस इस वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करो, नहीं अच्छा लगा तो आप लोग की मर्जी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।